खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। यमुनानगर में उपायुक्त मुकुल कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल गुड़गांव में यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 2,00,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था और इस बार कोरोना के चलते यह ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न चरणों में विद्यार्थी भाग लेंगे और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेताओं को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस बार यह प्रतियोगिता ऑनलाइन है, इसलिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की वेबसाइट पर सभी प्रतिभागी अपना वीडियो अपलोड करेंगे। उन्होंने अभिभावकों का आह्वान किया कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। K9 मीडिया के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। करता हूं कि आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी आए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन अभी किया जा रहा है हर वर्ष की भांति। तो इस बार ये चेंज रहेगा कि हमारा ये ऑनलाइन माध्यम के थ्रू होगा, क्योंकि कोविड के टाइम्स में सारा कुछ हमने कॉन्टेक्टलेस और जो पर्सनल प्रेजेंस को रूल आउट करते हुए ऑनलाइन ही प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पिछले साल गुड़गांव में आयोजित किया गया था, जिसमें 2,00,000 से अधिक बच्चों का भाग लिया था, और उससे पहले 2018 में रोहतक में आयोजित किया गया था। तो इस बार भी इस कॉम्पिटिशन के अंदर मोर देन 3,00,000 के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार ये डिफरेंस रहेगा कि ये ऑनलाइन मोड में ही होगा, बच्चे अपनी जो भी प्रेजेंटेशन होगी, जो भी प्रस्तुति होगी, वो उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए विभाग की एक वेबसाइट है childwelfarehariana.com/balmahotsav, तो उसके ऊपर अपनी वो वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि COVID-19 के टाइम्स में जो ये कॉम्पिटिशन आयोजित किया जा रहा है, उसके अधिकाधिक प्रसार के लिए आप इसका हमारी सहायता करें, और जो भी बच्चे और जो अभिभावक इससे प्रेरित हो सकते हैं वो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें।